उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से हुई दरिंदगी के विरोध में वाल्मीकि समुदाय के साथ विभिन्न समुदाय के लोगों ने धर्मशाला जिला मुख्यालय में रोष रैली निकाली। शहीद स्मारक से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर घटना से गुस्साए लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन में हाथरस को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की गई है। रैली में शामिल लोगों का कहना था कि आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रामलाल चौधरी ने कहा कि हाथरस घटना पर प्रशासन लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। इस घटना के विरोध में पूरे देश में मुहिम चलाई जाएगी। भविष्य में इस तरह की घटनाएं किसी बहु बेटी के साथ ना हो। सरकार यदि आगे से ऐसे मामलों की लीपापोती करती है तो इसके अंजाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, सबको इनके अंजामों के बारे में आगाह रहना चाहिए। इस मुहिम में ओबीसी वर्ग के लोग भी वाल्मीकि समुदाय के साथ हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर हत्यारों की जल्द फांसी की मांग भी की गई। ये जो हाथरस में हमारी बहन के साथ कुकर्म करके उसकी हत्या की गई है और प्रशासन उसमें लीपापोती कर रहा है, उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में पूरे भारतवर्ष में हम लोग एक मुहिम जगाएंगे कि एक कम से कम ये मरुमादी सरकार और सेंटर से लेके जितनी मनुवादी सरकार है उनको उखाड़ फेंके हैं, और आगे से किसी भी हमारी बहन बेटी ही या माँ के साथ कोई ऐसा ऐसा ना हो और हमारे लोगों के साथ कोई भी जाति ना हो। ये हमारा संकल्प है, आज हम ये संकल्प यहाँ से लेके जाएंगे। और तीसरी बात, अगर ये सरकार कोई भी कार्रवाई और आगे से लीपापोती करती है तो ये सरकार को अंजाम भुगतना होगा, चाहे ये मोदी सरकार हो चाहे ये योगी सरकार हो। इस मुहिम में ओबीसी लोग, क्योंकि मैं ओबीसी को रिप्रेजेंट करता हूँ और ओबीसी महासभा का हिमाचल प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ, हमारी मांग ये है कि हथियारों को फांसी दी जाए, जल्द से जल्द फांसी।